हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए वन लाइन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और 50 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर वन लाइन के क्वेश्चन समझाइए, क्योंकि ऑप्शन वाले में जो है क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लगता है। तो जैसे कि यदि आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका है वो एग्ज़ाम टेक्निकल है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको बिल्कुल जनरल क्वेश्चन में बताऊँगा कि किस टाइप के अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे इसी टाइप के क्वेश्चन को अक्सर जो है गलत कर देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, स्टील रूल का अल्पतमान। यहाँ पूछा है स्टील रूल का जो है अल्पतमान होता है, तो इसका जो अल्पतमान होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 0.50 mm। 0.50 mm आ सकता है, लिखवा आपके साथ आपके जो आप ऑप्शन क्वेश्चन देते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको 0.50 या 0.5 या 1/2 mm भी आपको मिल सकता है। यदि हम इंचों की बात करें तो 1/64 inch इसका जो है इंच में होता है अल्पतमान, यानी कि लिस्ट इसकी जो लिस्ट काउंट होती है स्टील रूल की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं ट्राई स्क्वायर में अंडर कट होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ट्राई स्क्वायर में अंडर कट इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका जो अंडर कट होता है वह दो इसके जो ऑप्शन बैठते हैं, तो यहाँ पे होता है बर को स्थान देने के लिए। यदि ऑप्शन है बर को स्थान देने के लिए, तो वो भी आंसर सही होगा। यदि आप बर को स्थान देने के लिए नहीं मिलता ऑप्शन में, या मिलता है कॉर्नर को स्थान देने के लिए, तो वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप याद रखें। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्क्राइबर को वन ईयर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग जो है वन ईयर हाइट गेज के साथ प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेथ मशीन पर सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो लेथ मशीन पर सेंटर निकालना में किसी जॉब का, तो किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है सरफेस गेज। तो सरफेस गेज का हम प्रयोग करते हैं लेथ मशीन पर सेंटर निकालने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी हमने आपको वीडियो में समझाया है ये क्वेश्चन। तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखें। तो ड्रिल करने से पहले किस पंच का प्रयोग करते हैं। ड्रिल करने से पहले दोस्तों किस पंच का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं, सेंटर पंच। सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं यदि हम ड्रिल कर रहे हैं, उससे पहले हम सेंटर पंच का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हुआ 5 क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। तो 6 क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या निकल आता है। 6 क्वेश्चन है, यहाँ देखिए दोस्तों, वाइस का साइज लिया जाता है। तो वाइस का जो साइज लिया जाता है, जॉ प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन देखें, वाइस के जॉ प्लेट की जो धातु होती है उसका मटेरियल पूछा है यहाँ पर। वाइस के जॉ प्लेट की धातु, तो यहाँ पर टूल स्टील की होती है। वाइस के जॉ प्लेट की धातु टूल स्टील की होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद लकड़ी से बने हैमर को कहते हैं, तो यहाँ पे मैलेट हैमर कहते हैं। लकड़ी से बने हैमर को मैलेट हैमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9 क्वेश्चन, हैक्साइंग करते समय ब्लेड के दांतों का रुख किस दिशा में होना चाहिए। जब हम हैक्साइंग करते हैं, तो ब्लेड हम जब कोई भी नया ब्लेड लगाते हैं, तो यहाँ पे हम उसका दांतों का जो है रुख किस दिशा में करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है आगे की ओर जो है रुख किया जाता है हैक्सा ब्लेड में, ब्लेड लगाते वक्त। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं 10वें क्वेश्चन देखें, मोटे सेक्शन वाले सॉफ्ट मटेरियल के लिए प्रयोग पिच। तो यहाँ पे कोर्स पिच का हम प्रयोग करते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोर्स पिच का हम प्रयोग करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन भी के लिए हुआ। इसके बाद चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। तो 11 क्वेश्चन देखें, डबल कट फाइल में अपकट दांते होते हैं। तो डबल कट फाइल में अपकट दांते जो किस टाइप के होते हैं, कितने डिग्री पर होते हैं, तो यहाँ पे 80 डिग्री पर होते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो 12वां क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या निकल कर आता है। 12वां क्वेश्चन है, बैबिट मेटल एलॉय है। तो बैबिट मेटल जो एलॉय है वह 88% उसमें टीन होता है, 8% एंटीमनी और 4% कॉपर होता है। तो ये भी इसका आंसर भी क्लियर हुआ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरा थोड़ा गला ख़राब है, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, इसलिए दोस्तों गला काफ़ी दिन से मेरा ख़राब चल रहा है, तो वीडियो कंटिन्यू नहीं बन पा रही है, तो फिर भी मैंने आपके लिए इस वीडियो को बनाया है। तो इसके बाद हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। ड्रिल का साधारण कटिंग एंगल होता है। तो ड्रिल का साधारण कटिंग एंगल जो होता है वह होता रहता है 118 डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो इसका आंसर लिखा है वह लिखा है काला, काले रंग का होता है दोस्तों वेल्डिंग के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। और यदि हम एसिटिलीन सिलेंडर की बात करें, तो वहाँ पे मैरून रंग उसका पाया जाता है। इसके बाद चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। ब्लाइंड होल में अंत तक चूड़ी खालिस्तान टेप द्वारा काटी जाती है। ब्लाइंड होल जो आर पार ना हो, उसे हम ब्लाइंड होल बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वह होता है बॉटमिंग टेप। बॉटमिंग टेप का हम प्रयोग करते हैं ब्लाइंड होल में टेपिंग करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन है, टैब वार्सर का प्रयोग किया जाता है। टैब वार्सर का जो है सेल्फ लॉकिंग के लिए, यदि ऑप्शन में है तो वो भी सही होगा। और यदि लिखा रहा है कि नटों को लॉक करने के लिए, या नट को लॉक करने के लिए, वहाँ भी इसका आंसर सही होगा। तो सेल्फ लॉकिंग के लिए भी होता है टैब वार्सर का प्रयोग, और नट को लॉक करने के लिए। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है 17 क्वेश्चन, जॉकी पुली का प्रयोग होता है। तो जॉकी पुली का प्रयोग खालिस्तान के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ओपन बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव के साथ जो है जॉकी पुली का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन है, धातु का गुण जो लोड हटाने पर विभ्रूण
विरूपण के बाद धातु अपने मूल आकार में वापस आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हम दोस्तों उसे कहते हैं। तो आप मेरी वॉइस भी सुनते रहेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, चाहे आप वीडियो ना देखें, आप हेडफोन लगा के मेरी वॉइस भी सुनेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद होने वाले हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन, मोस्ट पेपर कितने नंबर में मिलती है? तो मोस्ट पेपर जो होती है वह हमारी 0 से 7 नंबर में पाई जाती है, 8 अलग अलग विभिन्न साइज़ों में पाई जाती है, या फिर दोस्तों लिखा सकता है इसकी जगह MT 0 से MT 7। ये भी अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि 0 से 7 होता ही है, लेकिन MT मोस्ट पेपर नंबर 0 से मोस्ट पेपर नंबर 7 तक, इस टाइप से भी अक्सर एग्जाम में लिखा आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन का। इसके बाद चलते हैं इसके बाद हैं 20 क्वेश्चन, सॉलिड ब्रास को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयुक्त पिच है? तो यहाँ पे 1.8 mm है सॉलिड ब्रास को जो है हमारा हेक्सा ब्लेड की पिच है उसको काटने के लिए, तो 1.8 mm हो गया। इसके बाद स्पर्श के क्षेत्र के बीच पुलियों की भारी सरफेस पर बेल्ट के मूवमेंट को कहते हैं, तो जो बेल्ट का मूवमेंट होता है इधर उधर जो खिसकती है उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वह होगा क्रीपिंग। क्रीपिंग दोस्तों उसको बोला जाता है, ठीक है, आप इसे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्रोपिंग लिखा है लेकिन आपको आप इसे क्रीपिंग पढ़ें, ठीक है। इसके बाद है एक डायल टेस्ट परीक्षण सूचक, जिसको हम बोलते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर, के प्लंजर की रेखा गति को पॉइंट की पॉइंट रोटरी गति में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म होता है, उसका प्रयोग किया जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर के अंदर। इसके बाद चलते हैं 1323 क्वेश्चन पे, तो किस तापमान पर सेंटीग्रेड व फोरनाइट का मान जो है समान होता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों -40 डिग्री पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन पे। 24 है मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो के मानक के तहत रा का खुदरेपान प्रतीक ग्रेड द्वारा संकेत दिया जाता है, तो इसका यहाँ पर हमें आंसर बताना है, तो N1 से N12 तक होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24। इसके बाद चलते हैं 25 देखें ऊपर क्वेश्चन, प्लेन बुश बेयरिंग की स्थिति में बेयरिंग में बुश को घुमाने से रोकने के लिए उसे सात फिट करना चाहिए किसके साथ फिट करना चाहिए, कहना ये चाह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्रू या की के द्वारा हम उसको जो है फिट करते हैं, स्क्रू या की के द्वारा उसे हम फिट करते हैं, तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले पढ़ें फिर इसको समझें। इसके बाद है 26 क्वेश्चन देखें, एक नट में बड़ी हुई ऊंचाई होती है, बड़े हुए भाग में सलोट कटे होते हैं, इसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वह होगा केसिल नट। केसिल नट दोस्तों हम कहते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसिल नट उसे बोला जाता है जिसके नटों के ऊपर जो है सलोटें कटी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिंग प्लेट पर ग्रूव उपलब्ध कराने के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो यहाँ पर आंसर है इसका लैपिंग पेस्ट को धारण करने के लिए लैपिंग जो प्लेट होती है उसमें ग्रूव काटे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान पूछा है कितना डिग्री होता है? 300 डिग्री सेल्सियस इसमें आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद चलते हैं 29 क्वेश्चन देखें, दो प्लेटों के सिरे को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है जिसे कहते हैं, उसे हम बोलते हैं लैप जॉइंट आप कह सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे का ऊपर रखे की जा रही है तो लेफ्ट जॉइंट होगा, और यदि बराबर में रखे की जा रही है तो वो हमारा बट जॉइंट कहलाता है। 29 भी क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं 13 क्वेश्चन पे, तो 13 क्वेश्चन देखे निकल कर क्या आता है, निम्न में से किसका प्रयोग धातु की सतह का समतल बनाने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर जो दोस्तों आप इसका जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें यदि फ्लैटर है तो उसका आंसर सही होगा फ्लैटर। 13 भी क्लियर हुआ। इसके बाद चलते 31 पे, नॉन फेरस धातु की होनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नॉन फेरस धातु के लिए हमें यदि होनिंग करनी है तो कौन से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सिलिकन कार्बाइड का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिलिकन कार्बाइड एक हमारा एब्रेसिव कण होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 32, स्क्रैपर अलाउंस रखा जाता है, तो स्क्रैपिंग जो अलाउंस रखा जाता है वह हमारा 0.1 से 0.4 तक रखा जाता है, ये भी क्लियर हुआ। इसके बाद ब्रेजिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग है, तो यहाँ पे है होना चाहिए। इसके बाद इसका आंसर है सुहागा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोरेक्स। इसके बाद 34 है, वर्म थ्रेड का एंगल होता है, वर्म थ्रेड का एंगल जो है 29 डिग्री होता है, और सबसे गहरी जो थ्रेड है वो हमारी वर्म थ्रेड है, ये भी एक इसका क्वेश्चन है, इसको भी याद रखें। इसके बाद 35 है, रबड़ के लिए ड्रिल का कटिंग एज बताओ, तो यहाँ पे 80 डिग्री लगा सकते हैं आप, यदि ऑप्शन में 80 डिग्री है तो वह इसका आंसर सही होगा रबड़ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नीचे, यहाँ स्टेनलेस स्टील का एलॉय है, तो यहाँ पे क्रोमियम और निकिल का स्टेनलेस स्टील एलॉय है, ये भी क्लियर हुआ। 37 पे चलते हैं, 37 देखें दोस्तों क्या निकल कर आता है, 37 है
गन मेटल में होता है कॉपर खालिस्तान, तो यहाँ पर कॉपर टीन और खालिस्तान दिया है तो जिंक होता है, ठीक है। तो गन मेटल में जो है कॉपर टीन और जिंक पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं 37 के बाद 38। 38 देखे दोस्तों, हैंड वाइज का प्रयोग किया जाता है, तो हैंड वाइज का प्रयोग जो है किया जाता है किस लिए किया जाता है, तो छोटे छोटे कार्य को छोटे छोटे कार्य करने के लिए, जिस तरह की जैसे हमें चाबी बनाना हो या कुछ और काम करना हो इस टाइप का, तो हैंड वाइज का हम उसमें उसका प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 39, घरेलू बर्तन पर कोटिंग होती है, तो घरेलू बर्तन पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो टीन से की जाती है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है टेक्निकल। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक के लिए फ्लैट चिजल का एंगल एंगल कटिंग एंगल कितना होगा, तो जिंक के लिए जो है 35 डिग्री होगा। इसके बाद सी एल ए होता है, तो सी एल ए का इसमें मान पूछा है, उसकी फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो सेंटर लाइन एवरेज। 42 देखें, चीजल किस मटेरियल का जो है बना होता है, तो चीजल जो है हाई कार्बन स्टील एच सी एस का बनाया जाता है। इसके बाद 43 क्वेश्चन देखें, हैमर के आई होल का आकार होता है, हैमर के आई होल का आकार जो होता है वो अंडाकार होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है। इसके बाद चलते हैं 44 क्वेश्चन पे, वी ब्लॉक बी ग्रेड की लंबाई होती है, तो वी ब्लॉक बी ग्रेड की लंबाई कितनी होती है, तो यहाँ पे 300 mm 300 mm के करीब उसकी जो है लंबाई होती है, 300 mm बी ग्रेड, यानी कि वी ब्लॉक बी ग्रेड का जो होता है उसकी 300 mm की लंबाई होती है। 44 कंप्लीट। 44 के बाद चलते हैं 45। 45 देखें ऊपर, ड्राइंग के अनुसार जॉब की सतह पर समांतर सीधी रेखा सेंटर लाइन खींचने को कहते हैं, तो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं दोस्तों मार्किंग ले आउट, मार्किंग ले आउट उसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है किसी ब्लैक स्मिथ द्वारा प्रयोग में लाने वाले पैटर्न और गर्म जॉब को मार्किंग या मेजरिंग करने के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वह स्ट्रिंग रूल होगा, स्ट्रिंग रूल का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 47, पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग, तो यहाँ दो बार लिखा प्रयोग, तो आप इसको एक बार ही पढ़ दें, तो पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग जो करते हैं हम हॉरिजॉन्टल, तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर उन्होंने चाहे हॉरिजॉन्टल लिखा, तो हॉरिजॉन्टल आप पढ़े हॉरिजॉन्टल सेटिंग करने के लिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जैसे सेटिंग होती है, तो उसमें से हॉरिजॉन्टल सेटिंग करता है पैरेलल ब्लॉक। इसके बाद चलते हैं 48 पे, समांतर रेखा व गोल जॉब का सेंटर निकालने में प्रयोग, तो वह उसका प्रयोग करते हैं हम जेनी कैलिपर का, सेंटर गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं, जिसका दूसरा नाम जो है ओडला कैलिपर भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिपर का माप लिया जाता है, तो कैलिपर का जो माप लिया जाता है दोस्तों रिविट के सेंटर से लेग के पॉइंट तक लिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, वाइस के हैंडल की धातु होती है, वाइस के हैंडल की धातु होती है जो माइल्ड स्टील, इसे हम बोलते हैं मृदुस्पात, या हिंदी का नाम है मृदुस्पात, वैसे हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे 50। गला ख़राब होने के बावजूद दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन पे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पर, तो सभी टेक्निकल हम वीडियो अपलोड करते हैं और जिस टाइप के अक्सर जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में देखा, और नेक्स्ट वीडियो साथ मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।